नमस्ते नमस्ते नमस्ते। घर में सब ठीक ठाक है? जी सुनो, ये 500 रुपया रखो, कल मुझे ही भोड़ देना। ठीक है, हम चलते हैं। अरे दिब्बा जी, आइए आइए। बेटे, आप जिन जिन को कहे थे सबको पैसा मिल गया है। आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? 4 जन। कल वोट हमें ही मिलना चाहिए। अब चिंता मत कीजिए, हमारे घर के सारे वोट आपको ही जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं। आप सरपंच बन गए। कांग्रेचुलेशन दिव्या जी। नमस्ते सरपंच जी। क्या हुआ भाई साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? एक समस्या के बारे में बात करने के लिए आया था, पर जब से ये सरपंच बने हैं मेरा कोई भी शिकायत नहीं सुनते हैं। आज तुमको मेरे बात सुनना पड़ेगा। वोट के टाइम पर तो घर तक चले गए थे, बार बार गले मिल रहे थे, और अब जितने के बाद मेरी समस्या सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। मैं तुम्हारा समस्या नहीं सुनूंगा तो तुम मेरे ऊपर सवाल उठाओगे? हाँ, क्यों नहीं, ये अधिकार है हमारा। ठीक है, एक बात सुनो, ये साइकिल तुम्हारा है? हाँ। मैं तुमसे अनुमति लेके ये साइकिल चलाऊंगा। चलाते वक्त अगर इसमें कुछ भी टूट गया या खराब हो गया तो मुझे तुमको जवाब देना पड़ेगा। हाँ। उसको ठीक भी करना पड़ेगा। हाँ। पर अगर मैंने ये साइकिल खरीद लिया तो अब मैं इसको तोड़ दूं, फेंक दूं या बेच दूं, तुम मेरे ऊपर सवाल उठा पाओगे? नहीं। ठीक उसी तरह मैंने 500 रुपया में तुम्हारी वोट को खरीद लिया है, अब मैं जो भी करूं तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं मेरे ऊपर सवाल उठाने के लिए। 5 साल के बाद इलेक्शन है, तब आ जाना, फिर 500-500 में खरीद लेंगे तुम जैसे लोगों को। तब तक के लिए निकलो यहां से। नमस्ते नमस्ते। ये 500 रुपया रखो, कल मुझे ही भोड़ देना। माफ करना, मैं आपसे ये पैसा नहीं ले सकता। ये पैसा देके आप हमसे हमारे ईमान और अधिकार को खरीदना चाहते हैं। गरीब हूं पर गवार नहीं। आप जैसे पढ़े लिखे नौजवानों से ये उम्मीद नहीं था। बहुत कोशिश कर लिया ईमानदारी से इलेक्शन लड़ने के लिए, पर यह समाज मुझे ये करने में मजबूर कर दिया। लोग कहते हैं नोट नहीं तो वोट नहीं, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़े लिखे हो, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हो, गांव के लिए काम करना चाहते हो, मैं आपको ही वोट करूंगा, लेकिन ये पैसे रखिए।
नमस्ते। नमस्ते। सरकार की तरफ से आपके लिए एक पक्का घर आया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। कोई भी समस्या हो तो मुझे थोड़ा याद कर देना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ।